मैंने खुद की लाइफ वहां इमेजिन की थी कि बनियान में मैं स्टार्ट ठीक कर रहा हूँ। मुझे लगा ये तो वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने इमेजिन किया था अपने जीवन। हाय, दिस इज सुमित व्यास। हाय, आई एम शारिब हाशमी एंड वी आर द कास्ट ऑफ अफवाह एंड वी आर एंड वी हियर आर हियर टू वेल आस्क ईच अदर एनीथिंग। खत्म करो ये टंटा, थक गया हूं मैं। But where did you start, Charit? How did you get into acting in the first place? Acting मेरी लाइफ में एक्चुअली यार बहुत लेट आई। मैं मतलब कुछ 33 साल का था तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। उस वक्त मतलब आई वॉज मैरिड, आई हैड अ किड, और वो टाइम पे ये एक डिसीजन लेना टू प्लंज इनटू समथिंग व्हिच इज कम्प्लीटली यू नो अनप्रेडिक्टेबल, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक, क्योंकि फैमिली भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। बट किसी तरह उस वक्त पता नहीं क्या एक जुनून था सर पे, और आई क्विट माई जॉब, स्टार्टेड ऑडिशनिंग। और मैंने एज अ राइटर काम किया है एमटीवी में। मैंने 4 साल इन हाउस राइटर था, मैं चैनल बी में 1 साल था। फिर मेरा जो लास्ट जॉब था वो था इमेजिन शोबिज में, वहां पर मैं क्रिएटिव हेड था। तो अच्छी नौकरी थी, अच्छी सब कुछ था, अच्छी सैलरी थी। सुमित मेरे भाई, ऐसी कौन सी अफवाह सुनी अपने बारे में जो मतलब क्रेजीएस्ट अफवाह? यार एक्चुअली मेरे बारे में उतनी अफवाहें उड़ाई नहीं है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ इस बात से कि मुझे लगा मे बी आई हैव नॉट लाइक आई हैव नॉट अराइव्ड कि मेरे बारे में एक आधी बार जरूर एक आधे किसी ने कहा था, बट वो ऐसे अखबारों में नहीं, जानने वालों में से किसी डायरेक्टर ने किसी ने कहा कि ये रूड हो गया है, अरगेंट हो गया है, जवाब नहीं दे रहा है। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल जाता हूँ कई बार। मतलब मेरे साथ ये हो जाता है कि मैं व्हाट्सएप पूरा दिन नहीं देखता हूँ, मैं दिन में 2 या 3 बार देखता हूँ, तो मैंने साइलेंट कर रखा है। तो उस समय मैं फिर मैं साथ में करीब करीब जितने भी जवाब देने होते देता हूँ, और कई बार ऐसा लगता है हाँ इनको मैं दूंगा, मुझे फोन करना है, और फिर मैं भूल जाता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने मैसेज का जवाब दिमाग में दे दिया है एक इंसान से, मन ही मन मैंने बात कर ली लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं किया। तो शायद ऐसा कुछ हुआ एक आधी बार, तो लोग थोड़ा बुरा मान गए। हाउ डिड यू लैंड फिल्मिस्तान? जब मैंने नौकरी छोड़ के ऑडिशन देना शुरू किया तो 3 साल तक कुछ मिला नहीं, और मतलब जितनी सेविंग्स थी वो तो खत्म हो गई, कर्जे भी ऊपर से चढ़ गए थे। तो आई हैड टू टेक अप अ जॉब वंस अगेन एंड आई जॉइंड यूटीपी बिंदास एज एवीपी प्रोग्रामिंग। वहां पर मुझे कुछ 3 महीने हुए थे मुझे, जब तक जान का एक ऑडिशन कॉल आया, और उसी दौरान नितिन ने और मैंने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया फिल्मिस्तान पे। इट वाज हिज स्टोरी, और वो कुछ लिखते थे तो मैं ऑफिस से छूट के शाम को नितिन के घर पहुंचता था, हम साथ में बैठ के डिस्कस करते थे जो उसने पूरा दिन लिखा है, ऐसे करके उस पे काम चल रहा था। और जब हम लिख रहे थे तब नितिन ने बोला था कि यार ये रोल मतलब तेरे लिए एकदम टेलर मेड है। तो मैंने बोला भाई कहाँ ये मुझे मेन लीड में रोल देगा, वो भी अपनी फिल्म, पहली फिल्म है, अच्छी स्क्रिप्ट है, क्योंकि हम लिख रहे थे तो हमें थोड़ा तो वो था कि कुछ अच्छा काम हो रहा है मतलब लिखाई के तौर पर भी। बट उसे प्रोड्यूसर मिला एंड ही मेड मी ऑडिशन फॉर द मेन लीड, एंड thankfully I got selected in Jab Tak Hai Jaan also and in Filmistan also simultaneously, dono cheeze ek sath hui. Are wow. Acha, I want to know about your journey Sumit, mujhe please bataiye na. Main actually Bombay ka hi hu, main 4 saal ka tha tab aa gaya tha yahan pe. Mere pitaji jo hain wo writer hain, wo television shows likhte the us zamane mein. He was I think one of the writers on Discovery of India, फिर तारा करके एक शो आया था वो लिखते थे। 10वीं पास करने के बाद 11वीं में फेल हुआ, फिर 12वीं में भी थोड़ा उन्नीस हुआ, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो तब उस जमाने में मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि एक एडिटिंग स्टूडियो है वहाँ, इसको लगवा दो एज एन इंटर्न, वरना पिताजी तो वो कह रहे थे कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, मतलब पढ़ने पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहा है ना, तू बहुत कमाल का स्पोर्ट्समैन है तो तेरा क्या ही किया जाए, तुझे कार का शौक है अच्छी चला रहा है, तू या तो आदर्श गैराज है मेरे दोस्त का वहां लग जा, देख तू फिर वहां करते करते गाड़ियां ठीक करते करते होता है हाथ साफ हो जाए तो दिलीप छाबड़िया भी बन सकता है। तो मैंने खुद की लाइफ वहां इमेजिन की थी कि बनियान में मैं स्टार्ट ठीक कर रहा हूँ। मुझे लगा ये तो वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने इमेजिन किया था अपने जीवन। तो मैं पहली बार पृथ्वी थिएटर आया और मैंने नाटक देखा, और बड़ा म्यूजिकल नाटक था वो, तो और वो देख के मैं अभिभूत हो गया। मुझे लगा ये क्या हुआ मेरे साथ, आई हैड अ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ नोवेयर आई हैड अ कन्विक्शन कि आई हैव टू बी हियर, I have to be in this space. तो मैंने उनको बोला और उन्होंने बोला नहीं,
और फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं आया वहाँ पे नाटक कंपनी में बैकस्टेज करता रहा करते करते कर। और फिर फिल्में कैसे? फिल्में ऐसा था कि मैं हमारी वो आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ थी एक जमाने में और सिर्फ नाटक करके जो है वो मामला बैठ नहीं रहा था। और मैंने एक्चुअली मुझे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो उस समय समझ आया, क्योंकि मैंने अपने पिताजी का एक वो फेज भी देखा जब बहुत अच्छा काम चल रहा था तो घर में महसूस होता है कि अभी अच्छा चल रहा है, किसी बात पे ज्यादा रोक टोक नहीं हो रही है। फिर काम कम अच्छा चल रहा है वो भी देखा, और फिर काम नहीं चल रहा है वो देखा बहुत साल तक। इट वाज जस्ट अ सिचुएशन कि आपको करना ही पड़ेगा कुछ काम, वरना आप मतलब आओगे क्या, सस्टेन कैसे करोगे। तो उस दौरान मैंने फिर थोड़े ऑडिशन देने शुरू किए और मुझे इत्तेफाक से उस समय कोई नाटक ही देखने आया था तो उन्होंने दूरदर्शन का एक सीरियल मिल गया 2003 या 2004। तो वो जब मैंने किया तो मुझे समझ आया कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। वो चला, साल भर चला वो, उससे काफी घर में भी माहौल थोड़ा सा सेटल हुआ उससे। और फिर उसके बाद मैं करता गया, मैं बैलेंस करता था, नाटक करता था और उतने उतने पैसे में जोड़ लेता था कि घर खट चल जाए। एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर या कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टर्स या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जब आप कर रहे होते हैं तो आपको करते समय महसूस होता है कि यार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ इसमें, मैं डेफिनेटली जो मैं था उससे दो कदम आगे बढ़ाऊ। मेरे साथ एक अभी अभी ताजा हुआ है अफवाह, सुधीर सर के साथ एक कमाल का एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का। जैसे मैं सोचता भी नहीं था वैसे वो एक अपना तक एक अप्रोच लेकर आते थे। और मुझे जब मैं पहला दिन था मुझे लगा यार बड़ा ही खड़ूस दिखने वाला इंसान है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत पता नहीं कैसे बात करेंगे ये, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ना मतलब कुछ बात करने के लिए जरा डर लगता है। लेकिन जब मैं पहली बार मिला वो इतने प्यारे क्यूट हैं यार, वो सुधीर मिश्रा जिनका नाम है, बहुत ही प्यारे इंसान है और उनसे आप घंटों बातें कर सकते हैं। वो हर चीज के बारे में उनकी नॉलेज मतलब ज्ञान जो है वो इतना कमाल है। और एक डायरेक्टर जिसके साथ अगर आपको भी सबसे पहले काम करना है, सुधीर मिश्रा जी थे बहुत समय से, मुझे उनकी फिल्में इतनी पसंद है। मैंने इस रात की सुबह नहीं जब आई थी तब देखी थी, तब तो मैं छोटा था काफी, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं थी फिल्मों की, पर तब भी मुझे बहुत अपीलिंग लगी थी। मुझे लगा था ये कैसी फिल्म है, ऐसा भी हो सकता है। मेरा श्रीराम राघवन जी के साथ काम करने का बड़ा मन है मुझे, अरे यार काम बहुत पसंद है। अरे बहुत कमाल है वो, उनका एक वर्क है और वो फैमिली मैन में तो अद्भुत काम किया है। तो हैव यू चेक योरसेल्फ ऑन आईएमडीबी? तो मैंने हाँ, मैं चेक तो करता हूँ, जाता रहता हूँ बीच-बीच में। और व्हाट इज योर हाईएस्ट? मैंने किया है, मैंने एक्चुअली एक समय पहले किया था तो उसमें कुछ तो वो थे काम जो मुझे, मैं चाहता था कि लोगों तक पहुंचे, और कई सारे वो भी काम थे जो मैं नहीं चाहता था कि लोगों तक पहुंचे। बट व्हाट इज योर हाईएस्ट रेटेड वर्क ऑन आईएमडीबी? मैंने चेक नहीं किया है बट मेरे आई थिंक वो फिल्मिस्तान होगी और फैमिली मैन, मेरे हिसाब से तो शायद यही दोनों में से कोई एक होगा जिसको जो जिसकी रेटिंग काफी होगी। सुमित आपका कौन सा मतलब सबसे हाईएस्ट रेटेड होगा प्रोजेक्ट फिल्म? आई थिंक परमानेंट रूममेट्स ही है हाईएस्ट रेटेड, जब आया था तो काफी अच्छी रेटिंग थी। So guys, this was fun and please don't forget to add your reviews and trivia and thoughts about your favorite films on imdb.com and please go and watch our film Afwaah.